हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर बहल ब्रदर्स। तो गाइज, हर बार जैसे आपको पता है हैशटैग मजेदार मंडे होता है, पर इस बार हैशटैग रक्षाबंधन है, क्योंकि रक्षाबंधन था हमने सोचा एक बार स्किप कर भाई देते मजेदार हैं। मंडे हर हफ्ते आता है, रक्षाबंधन हर हफ्ते थोड़ा आता है। पॉइंट हर हफ्ते नहीं आता ना, तो हमने सोचा इस बार एक बार स्किप करते हुए आपको रक्षाबंधन का दिखाते हैं। वैसे अगर प्रैक्टिकली बताएं तो कुछ खास हम सेलिब्रेट नहीं करते, बिकॉज सिर्फ राखी बांधनी होती है, गिफ्ट देते हाँ, हैं, इतने घर रहता पे है, कजन आते हैं या फिर हम बाहर जाते हैं, जो भी रहता है इतना ही रहता है। बट हमने सोचा एक बार आपको दिखाना बनता है, बिकॉज आप हमारी फैमिली हो, क्योंकि हमारा पहला, जब हमने YouTube स्टार्ट किया तो पहले हमारी राखी तो है। हमने सोचा जो भी पहला पहला त्यौहार होगा एटलीस्ट वो तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। तो अभी बिना बकलेली पहले चलते हैं वीडियो में। राखी के बंधन को निभा सोने जे गोटे ते सजा लकड़ी इधर 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 हेलो फैमिली, तो आज का ब्लॉग रहने वाला है थोड़ा हमारा स्पेशल, बिकॉज इट्स रक्षाबंधन ब्लॉग। और ये भाई साहब हो रहे हैं तैयार वीडियोस बनाने के लिए, और रक्षाबंधन के त्यौहार है, बट एज यू ऑल नो दैट वी आर ओनली टू ब्रदर्स, हमारी कोई रियल सिस्टर नहीं है, बट हमारी कज़न सिस्टर और हमारे बुआ जी आ रहे हैं घर पे। कभी खुशी कभी गम, तो अभी वो आ रहे हैं और ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो मैंने इसीलिए अभी ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मॉर्निंग में वो जैसे अभी आ जाएंगे तो मॉर्निंग में उनको जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आना जरूरी है व्लॉग में। हाँ क्योंकि उनको मॉर्निंग जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको ताया जी को भी राखी बांधनी है, मेरी बुआ को, और जो मेरे कज़न सिस्टर है उनको अपने ब्रदर को भी राखी बांधनी है, और उनको अभी मामा के घर भी जाना है, मतलब उनका भी शेड्यूल बिजी रहेगा। तो अभी से मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया ब्लॉग करना, बिकॉज जितना टाइम अभी वो आएंगे, अभी उनको आना है, वो रहेंगे हमारे साथ उतने टाइम, जो मस्ती फन करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। और कितना ये दो फन हो दो गया मेरे साथ जाके तू है। और ये दो दो मिनट ही आएगा ऐसे, और आगे की पीछे की जो भी बैकग्राउंड साउंड आ रही है उसको तो आज आपको बिल्कुल टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले शूट्स वगैरह ले लिए हैं, जैसे वो नहीं आए अभी, तो जैसे वो आएंगे फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, आपको बताऊँगा क्या करते हैं कैसे करते हैं, अभी तक कुछ प्लान नहीं है, बट कुछ मज़ेदार ही करेंगे। 2000 years later. तो गाइस, अभी बज चुके हैं 9:45 रात के, और ये मैडम अब आए हैं, मतलब हमारी बहना अभी आई हैं, और जो बुआ जी का मैंने बोला था आएंगे, वो थोड़े से हो चुके हैं बीमार, तो या तो वो सुबह आने वाले हैं या पापा उनके पास जाने वाले हैं, जैसे रहेगा वो आपको दिखाएंगे। तो बहना कहाँ हो, चलते हैं उनके पास, कहाँ छुप रखी हैं वो, ये देखिए, ये अभी पहुँचे, आइए आइए आगे आइए आगे आइए। तो जनता को बताइए इतनी लेट क्यों हो चुके हैं आप, मैं तो मेरी कब वजह की आई से। हुई थी मेरी कहाँ पे, बुआ के घर। हाँ सीन ये हुआ था कि ये बुआ के घर पे ऑलरेडी थे, वहाँ पे बुआ हो चुके थे बीमार, तो उन्होंने बोला कि प्रिंस को बोलो इनको लेके चले जाए, बट प्रिंस वीडियो बनाने के चक्कर में इनको इतना लेट लेके आया, तो हमारी जो भी मस्ती जो भी फन था जो भी कुछ था वो कुछ भी नहीं हुआ। पर अभी हम जाने वाले हैं बाहर कुछ खाने के लिए, और उसके बाद रात पूरी हमारे पास है, तब खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे, और चल मोटी चलते हैं अभी। तो गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि मैं तो फास्ट फूड बिल्कुल भी खाता नहीं हूँ, तो ये बात मुझे कहते शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैं रोज फास्ट फूड खाता हूँ। और अभी हम खा रहे हैं मोमोज मोमोज, और ये लगे हुए हैं फोन में एज यूजुअल। तो अभी हम खाने वाले हैं मोमोज विद विद मंचूरियन, मोमोज एंड मंचूरियन, थोड़ा हल्का फुल्का खाएंगे, और मैं डिनर वैसे कर चुका हूँ, बट इनके आने की खुशी में हमको भी खाने को मिल रहा है, तो अभी हम खाएंगे और उसके बाद जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे। सॉरी, तू चला जाना, अभी हम खाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ मंचूरियन टाइम, ये इतने बड़े डोंगे में डाल के दिया है ताकि इनको प्लेटें ना जूठी करनी पड़े। और मैडम जी अंदर पड़े हैं चम्मच वम्मच, वो ले लो आप। चम्मच क्या लेना है, मेरा तो अभी शादी हो चुकी है, मैं तो ये खा ही सकती हूँ इसके साथ। तो शादी होगी से क्या मतलब है, शादी पे बारिश आएगी ना। लो जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो गाइस, ये माता जी बोल रहे हैं कि अगर हम करछी से खाएंगे तो हमारी शादी में होने वाली है बारिश, मतलब डेली एक नया नया मिथ निकाल के ले आती मेरी मम्मी डेली, कोई रीजन नहीं कोई कुछ नहीं है ना, मतलब कुछ बनता है, मतलब मम्मी तो ये मम्मी है देखो ना। ये करछी है, ये मैं खाया, और जब बारिश होगी तो आपको दिख जाएगा व्लॉग में, कुछ नहीं होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या आपके घर में ऐसा है, आपके बकवास बंद कर, आपके घर में अगर ऐसा है तो बताना,
तो अभी शुरुआत करते हैं पहले डैड एंड ये रही डैड की रखड़ी और ये रहा बाकी का। तो चलिए बांधते हैं राखी अभी। ये वाली राखी आप एकदम क्लोज से देख लो, पूरी फोटो वोटो वाले बनवा के लाइए बुआ। आप हेल्प कर दो थोड़ी सी। ये बंद नहीं होगा ना, वहां से चेन लगेगी। ये रिश्ते में क्या हो रहा है, ये रिश्ते में क्या हो रहा है? डन 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 खा लो। एक्चुअली सिनेरियो ये है कि मामू अपना मुंह जूठा नहीं करते हैं जब तक वो मामू को राखड़ी नहीं बांधते हैं, इसीलिए ये हो रहा है। तो आपका होता है अभी समाप्त, अभी बारी है हमारी। तो अभी बारी आ चुकी है भाई की। ये लेट लगती फुटे इतनी जल्दी है तो इसके कारण अभी इनकी बारी आई है। अभी मैं आऊँगा, तेरी वजह से रुका हुआ था कि तू भी कर ले साथ में। तो गाइस बच चुके हैं 10 और बांधने वाले हैं राखी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुआ साथ में साउंड हो जाए आपका वाला गाना का ऑडियो से गान देंदे हो। पैर खोलो वीर वे बना ले लखरी सोने जे गुटे ते सजा ले लखरी। पैर खोलो वीर वे बना ले लखरी सोने जे गुटे ते सजा ले लखरी। रखड़ी रखड़ी से जाले रखड़ी 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 से जाले रखड़ी। इसी के साथ होता है अभी तिलक करण। डन 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 या कुछ मीठा हो जाए कैडबरी डेयरी मिल्क। टडा वो नहीं खाएंगे जब तक वो शिवम को और उसको नहीं मानेंगे। तो इनका होता है डन। अभी बारी है हमारी। सो अब बारी है दोनों बहनों की। सजा ले रखड़ी हे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। नहीं मतलब कि पूरा ना खाली ऊपर चुका उठी है ना। चलो डन। तो अभी हम निकलने वाले हैं नानी के घर, बिकॉज मम्मा को मामा जी को भी माननी है राखी। पर टाइम बता देता हूँ कितना हो गया। अभी टाइम बच चुके हैं डेढ़ बज चुके हैं। पर हमारी मम्मी एकदम नारी शक्ति, अब तक खाना नहीं खाया उन्होंने, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बिकॉज वो बोल रहे हैं मैं तो सूचे में बांधूंगी राखी। तो अभी मैं माता जी से मिलवा देता हूँ, तैयार शहर हो रखे। माता जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। सो ये अब तक भूखे हैं, अभी वहाँ जाएंगे राखी बांधेंगे उसके बाद खाएंगे। और एक और बहुत बड़ा चमत्कार है, मतलब बहुत अलग, दुनिया में कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने, पर आज आपको देखने को मिलेगा कि राखी का क्या टाइम हो सकता है, लास्ट टू लास्ट क्या टाइम हो सकता है राखी का, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। अभी हम निकलने वाले हैं, फटाफट चलते हैं क्योंकि मम्मा भी भूखे हैं और मामा भी वहाँ पे होंगे अवेलेबल अभी, अदरवाइज उनको भी शायद थोड़ा काम वामना पड़ जाए। तो फटाफट चलते हैं। टरा तो घर चाहे अपना हो या नानी का या बुआ का है, जिसका मर्जी, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा छत व्लॉगिंग के लिए, बिकॉज लाइट बहुत मस्त होती है। तो मुझे था नीचे लाइटिंग का थोड़ा इशू ना आ जाए, इसलिए मैंने ऊपर आके स्टार्ट किया। बाल तो आप देख ही सकते हो, यहाँ आते आते हमारे बाल बाल ख़राब हो चुके हैं, बिकॉज रास्ते में बारिश आ रही थी, अभी भी बारिश आ रही है हल्की हल्की। और मासी अभी नहीं आए हैं, मम्मा अभी राखी बांधने वाले हैं, तो फटाफट नीचे चलते हैं, मम्मा राखी बांधेंगे उसके बाद खाएँ फाइनली वो कुछ। तो उसके बाद खाने पीने के बाद जब मासी आएगी तब मासी उनको राखी बांधेगी,
और हमारी बहना भी तब आने वाली है, मतलब वो 5-6 बज जाएंगे उनको आते आते। मैंने आपको बताया था बहुत लेट तक आते हैं, तो वो 6 बजे अप्रॉक्स आएंगे, बाकी देखते हैं इससे भी लेट हो सकते हैं, जल्दी आते हैं। तो उनके आने पे उनसे राखी बंधवाएंगे, तब तक के लिए हम नीचे चलते हैं, मामा राखी बांधते हैं, फिर हम कुछ खाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो अभी आते हैं सीधा काम की बात है, तो चलो बांधे फिर। चलो चलो ठीक है ठीक है, खिंची रख खिंची है ना, रिकॉर्ड ही करा ले देना था ना कि वो बोलते रहते हैं। और ये नंगू पुंगू देख रहे हो ना आप, कौन बैठा है? ए नंगू पुंगू इधर। हाँ हाँ सब कुछ, चलिए फटाफट अभी खिला दीजिए इनको मीठा। तो गाइस ऊपर बहुत सुहाना मौसम था, जैसे आप देख सकते हो पूरी फेस में मेरे धूप दिख रही है आपको। तो काफ़ी टाइम हो गया हम छत पे थे, थोड़े पतंग वतंग उड़ा रहे थे मामा और भाई वगैरह, और मैं बना रहा था अपनी वीडियोस। तो अभी वीडियोस भी बन चुकी हैं, पतंग भी उड़ चुके हैं और मासी भी आ चुके हैं। तो नीचे चलते हैं, मासी को मिलते हैं, रखड़ी बंधवाते हैं और फाइनली घर जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, मस्ती करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं नीचे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस अगेन वी आर एट टेरेस विद ब्रदर। इधर आइए इधर आइए, आप व्लॉग में आए नहीं रहे सुबह से। तो हमारी रखड़ी हो चुकी है कंप्लीट, बेस्ट ब्रदर दिस वन। और नीचे लाइट जा चुकी थी इसलिए मैं दोबारा छत पे आना पड़ा, लाइट का कोई और ऑप्शन नहीं था। रिंग लाइट लाए थे हम साथ में वैसे तो, बट ऑप्शन नहीं था तो हम क्या ही कर सकते हैं। एंड मासी के जो बच्चे हैं वो तो अलग लेवल के शर्मीले हैं, आ नहीं रहे हैं व्लॉग में, क्या रीज़न है कैसे हमें नहीं पता, पर उनको जैसे तैसे करके दिखाएंगे आपको। अभी वेट कीजिए फटाफट दिखा देते हैं। ये बोल रही मुझे ब्लॉग में नहीं आना है, बट मैंने बोला मैंने तो लाना है, तो हम ले आएंगे जैसे तैसे करके। देख लो यहीं है, यहीं यहीं इधर 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 सिक्योरिटी। हेलो बस हो गया, हेलो किदा किदा हेलो किदा किदा जा रहा है एक बारी हेलो। सो दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो, होप यू गाइस लव इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और एक ही साथ में बोल दिया तुम दोनों ने, तो गाइस टैलेंट। तो गाइस बाकी अगली बार स्किप नहीं होगा, हाँ, पक्का आएगा तो जो क्वेश्चन आपके संभाल के रखो अगली बार पूछना जरूर। और साथ ही साथ अभी हम थोड़े शॉर्ट वीडियोस के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, शॉर्ट वीडियोस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर। आप ये बताना कि हम अपनी वॉइस में कुछ बनाए या ना बनाए, और अगर बनाए तो थोड़े आइडिया भी जरूर दीजिएगा, कमेंट में हमें आइडिया देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ, बाय बाय।